नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले कुछ दशकों में पहली बार भीषण रेतीला तूफान आया है। सोमवार को बीजिंग पूरी तरह से धूल से ढक गया। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं की वजह से गोबी के रेगिस्तान से उठी ये आंधी और चीन के ज्यादातर हिस्सों को धूल से भर दिया। बीजिंग में 400 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया में भीषण आंधी आई थी, जिसके बाद से कम 341 लोग लापता हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक इनर मंगोलिया की राजधानी होहोत में कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। आइए जानते हैं क्यों खतरनाक है ये रेतीला बवंडर। गोबी मरुस्थल काफी विशाल और बंजर है, जो पश्चिमोत्तर चीन से लेकर दक्षिण मंगोलिया तक फैला हुआ है। चीन के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि ये धूल भरी आंधी इनर मंगोलिया से लेकर चीन के गांसू, शांगसी और हुबेई तक फैली है, जो पेंचिंग के चारों स्थित है। धूल भरी आंधी की वजह से बीजिंग के हवा की गुणवत्ता पाताल में पहुंच गई। यहां इंडेक्स सोमवार सुबह अधिकतम यानी 500 तक पहुंच गया। पीएम 10 का स्तर कई जिलों में बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रतिदिन पीएम 10 का स्तर 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वास्तव में पीएम 2.5 फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कणों का स्तर भी 300 माइक्रोग्राम के ऊपर पहुंच गया है। राजधानी बीजिंग में साल के इस मौसम में ऐसी धूल भरी आंधी असामान्य नहीं है। बताया जा रहा है कि अब तक बीजिंग में 400 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तूफान का असर जापान तक पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि चीन अपने शहरों को लगातार विस्तार कर रहा है, इससे संकट बढ़ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।